तो दोस्तों, मेरा नाम है जीवन दिगोरे, फ्रॉम पुना महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। बहुत एक वीक फैमिली से हूँ। अगर मेरी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं एक ITI होल्डर हूँ। अभी आप इसे समझ सकते हो कि एक ITI होल्डर जो जीरो से हीरो बन सकता है और नीचे से ऊपर आ सकता है और आपके सामने एक बात कर सकता है, तो ये जो पावर है, ये पावर एटॉमी बिजनेस की है। दोस्तों, आज मुझे जो यहाँ पे कंपनी ने एक बोलने का मौका दिया है, तो धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट का कि मुझे उस काबिल समझा और उस काबिल बनाया इस एटॉमी कॉन्सेप्ट ने, कि आज मैं इस सिस्टम के माध्यम से एक ऑटो सेल्स मास्टर हूँ। और ऑटो सेल्स मास्टर की अगर इनकम की बात करें तो एक लाखों में होती है, जो कि ITI करने के बाद में ये संभव नहीं था। और वही जो डिसीजन मैंने लिया ये 4 साल पहले, तो जो 4 साल का जो मेरा एक जर्नी था, उस जर्नी के ऊपर मैं थोड़ा सा एक प्रकाश डालना चाहूँगा कि अगर 4 साल पहले जब मैं इस कंपनी को शुरुआत किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद में जब मैं धीरे 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 इस सिस्टम को सीखता गया, तो सीखने के साथ साथ मैं टिका रहा, क्योंकि जिस समय मैं इस कंपनी के साथ में इन्वॉल्व हुआ था, उस समय मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए थे, हजारों लोग मेरे साथ में इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन वो लोग टिक नहीं पाए। और टिक नहीं पाने का जो नतीजा है कि आज वो इस स्टेज पे नहीं है। तो ये जो बिजनेस है, एक टिकने का बिजनेस है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के साथ में ऐसा एक रास्ता बताने जा रहा हूँ कि उस रास्ते से अगर हम लोग चलते हैं तो 100% गारंटेड सक्सेस है। तो दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, अगर उसमें से वो तीन जो लोग हैं, एक मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा सा एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग टैंक है, उसके बगल में तीन लोग बैठे हुए हैं और वो तीन लोग मन ही मन एक विचार कर रहे हैं कि हमें इस स्विमिंग पूल के अंदर तैरना है। और उस स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारे लोग यानी कि तैर रहे हैं, तो ये तीन ही लोग मन ही मन विचार कर रहे हैं कि नहीं, हमें ही यहाँ पे तैरना है। तो उसमें से जो पहला पर्सन होता है, सबका गोल है कि यहाँ पे हमें तैरना है, तो जो पहला पर्सन है वो मन ही मन विचार कर रहा है कि उस स्विमिंग पूल के अंदर कितना पानी होगा, वो लोग कैसे तैर रहे हैं, या वो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उसके मन के अंदर जो एक डर बैठा हुआ है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उसमें अगर गया और मैं डूबा और मरा तो मेरे फैमिली का क्या, तो इस वजह से वो पर्सन उस स्विमिंग पूल के अंदर वो नहीं जाता। तो ये जो रास्ता है, ये पहला जो रास्ता है, ये अनसक्सेस की ओर जाता है। जो दूसरा पर्सन होता है, वो पर्सन सोचता है कि ये इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर लूंगा, ये तो मेरे जैसे ही लोग हैं, ये लोग अगर यहाँ पे तैर सकते हैं तो मैं भी तैर सकता हूँ। और वो जो पर्सन होता है, बिना सोचे समझे, बिना सीखे हुए उस स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगाता है। तो जब वो बड़े पानी में अगर वो बंदा छलांग लगाएगा, या तो वो डूबेगा, डूबने के बाद में मरेगा, और कोई किसी ने अगर उसको बचा लिया तो बच जाएगा। तो उसके मन के अंदर एक डर बैठा रहेगा कि मैं उस स्विमिंग पूल के अंदर गया, मैं डूबते डूबते बच गया, तो इसके कारण वो जिंदगी में कभी भी स्विमिंग करना भूल जाएगा, वो स्विमिंग नहीं करेगा। तो उसी तरह से वो अपने जिंदगी भर वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा। यानी कि उसने क्या किया, जो ये जो दोनों रास्ते हैं, ये अनसक्सेस की ओर जाते हैं। यानी कि पहले में क्या हुआ, वो वहां पे उसको तैरना तो है लेकिन वो मन ही मन सोच रहा है, वो कर नहीं रहा है। और दूसरे में क्या हो रहा है, वो और कमिट हो गया कि मैं भी कर सकता हूं। और इन दोनों रास्तों में से एक रास्ता जाता है, वो सिंपल रास्ता है,
जो तीसरा पर्सन क्या करता है कि उसके मन में भी है, वो सोचता है कि नहीं मुझे तैरना है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो जाके वहां पे सलांग नहीं लगाता। वो जाके उस स्विमिंग पूल के अंदर जो लोग तैर रहे हैं उनसे पूछता है कि आप लोगों ने ये तैरना कहाँ से सीखा, किस तरह से आप लोग कर रहे हो। और वो उसी तरह से वो लोग बताते कि हमने सबसे पहले कम पानी में जाके तैरना सीखा, क्योंकि वहां पे डूबने के चांसेस नहीं है। तो ये सारी प्रोसेस उस पर्सन ने किया। तो ये जो तीसरा रास्ता है, एक लर्निंग का रास्ता है, ये सीखने का रास्ता है। अगर हम लोग, अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें सीखना पड़ेगा, हमें उस फील्ड के खिलाड़ी बनना पड़ेगा, इस खेल को खेलना पड़ेगा। तो जब हम इस खेल को खेलेंगे तो 100% मैं गारंटी और वादे के साथ में कह सकता हूं कि यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान इंपीरियल मास्टर बनेगा। तो सफलता का रास्ता है लर्निंग का रास्ता, ये मैं सीखना पड़ेगा। और यही चीजें मैंने ये 4 सालों से मैं आज तक कर रहा हूँ, और उसी की बदौलत मैं इस स्टेज के ऊपर हूँ। तो मैं सीखना है एटॉमी के प्लान को कि किस तरह से एटॉमी का कॉम्पेंसेशन प्लान है और किस तरह से हमें लोगों को बताना है। हमें इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो 100% प्रोडक्ट हमें यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सारे के सारे एक ही दिन यूज करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे है सारे के सारे प्रोडक्ट को हमें यूज करना पड़ेगा। जब उस प्रोडक्ट को हम लोग यूज करेंगे तभी वो दूसरे को बता सकते हैं। उसके बाद में मेन बात आती है कि अगर हमें एटॉमी बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें सबसे पहले डेप्थ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लाइनेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लाइनेज ही ऐसा एक सोर्स है कि जहां से हमें पैसा आता है। लाइनेज यानी कि हमारा बोया हुआ पौधा है, उस पौधे की हमें देखभाल करनी होगी। एटॉमी सिस्टम के अंदर सेल्स मास्टर कोई भी बन सकता है, कोई भी बनेगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है सेल्स मास्टर के बाद में डायमंड मास्टर बनना है या सैराडोन मास्टर बनना है या इंपीरियल मास्टर बनना है तो हमें सबसे पहले उस लाइनेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा एक विकर होता है, एक पावर होता है, नहीं ये दोनों मेरा साइड है, वो मेरा अर्निंग लेग है। जो विकर लेग है वो मेरा अर्निंग लेग है, ये हमें अपने अंदर उतारना पड़ेगा। और जो मेरा लाइनेज है, तो लाइनेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हूं, तो आज मेरे एक तरफ 25 जा रहा है, एक तरफ 25 जा रहा है, मैं सेल्स मास्टर बन गया हूं, लेकिन जब मुझे डायमंड मास्टर बनना है तो मुझे एक ही सर्कल के अंदर 2 सेल्स मास्टर एक साइड और 2 सेल्स मास्टर दूसरे साइड निकालना है। तो इसके लिए हमें हमारा लाइनेज पता होना चाहिए। और हम लीडर्स लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे कितना पावर देगा, जब पावर वहां से मिलेगा एक साइड से हम लोग काम करेंगे, और जब डायमंड मास्टर बनने की बारी आएगी एक साइड से हम 2 सेल्स मास्टर निकाल लेंगे, दूसरी साइड में क्या होगा। तो हमें सबसे पहले हमारे लाइनेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमारी जो टीम है उनके साथ में एक जो एक काउंसलिंग है वो काउंसलिंग को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर उस चीज को हम लोग करते हैं तो सक्सेस हमारी 100% है एटॉमी के अंदर, क्योंकि लाइनेज से ही हमें पैसा आता है और डेप्थ के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस चीज को हमें नोट करना है, कि लाइनेज के ऊपर हमें फोकस करना है, लाइनेज ही मेरा पैसा है। चौथी बात, हमें इस सिस्टम को अपनाना पड़ेगा कि एटॉमी बिजनेस ये मेरा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस का मालिक हूं। जब तक इस सिस्टम को हम लोग मेरा नहीं बोलेंगे तब तक इस सिस्टम में हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमें इस सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। तो क्यों अपनाना पड़ेगा? अगर एक दुकानदार वहां पे 1 लाखों की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वहां पे वो सुबह से लेकर शाम तक जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो उस दुकानदार ने अगर वहां पे दुकान डाला है, लाखों की इन्वेस्टमेंट की है, तो जब वो लाखों की इन्वेस्टमेंट करता है तो सुबह से लेकर शाम तक उस दुकान के अंदर रहता है, तो वो जो पर्टिकुलर दुकान है वो मान के चलो कि दिल्ली के किसी एक जगह पे वो दुकान खोली हुई है, तो उसका जो इलाका है या उसका जो दायरा है या उसका जो रिटेलिंग पावर है उस इलाके तक ही सीमित है। तो एटॉमी बिजनेस का जो दायरा है ये अनलिमिटेड है, यानी कि ये जो एटॉमी बिजनेस है ये मेरी है, ये मेरी दुकान है। तो मुझे क्या करना है कि इस दुकान के मुझे कस्टमर बनाने हैं, तो मैं मेरे जो कस्टमर है ऑल ओवर वर्ल्ड में बना सकता हूँ। तो जितने कस्टमर मेरे सिस्टम के अंदर में जुड़ेंगे, जितना वो प्रोडक्ट लेंगे उतना मेरा टर्नओवर जाएगा, और जितना मेरा टर्नओवर जाएगा उतना मुझे पैसा आएगा।
इसलिए इस सिस्टम को मुझे अपनाना पड़ेगा, हमें अपनाना पड़ेगा, नहीं ये मेरा बिजनेस है। क्योंकि जिस सिस्टम जब से मैं इस सिस्टम के साथ में जुड़ा हूँ तब से मैं बोला कि नहीं ये मेरा बिजनेस है, क्योंकि 3 सालों से मैंने इस सिस्टम को फ्री में काम किया हूँ। और जब मैं फ्री में काम किया, मेरे फैमिली से भी बहुत सारे परिणाम आए कि नहीं ये मत करो वो मत करो, आप आते हो जाते हो, लोगों से बात करते हो, हमें समय नहीं देते हो। तो हमें बलिदानों देना पड़ेगा किसी भी सिस्टम को, हमें 3 से 4 साल या 5 साल देना पड़ेगा, हमें किसी भी सिस्टम को 3 से 5 साल देना पड़ेगा। अगर हम 3 से 5 साल नहीं देंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि नहीं हमें पैसा चाहिए तो नहीं होगा। और इंडिया के सर्रास जो लीडर्स है, मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, सर्रास ऐसे लीडर्स है, उनको लगता है कि नहीं हमें 1 साल या 1 महीना काम करेंगे और नेक्स्ट मंथ के अंदर में पैसा आना चाहिए, यही लोग सोचते हैं। तो ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अगर 1 साल कर रहे हैं, दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, तो वहां से भी तो 0 से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा नहीं आता है। कौन बोलता है बस नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा नहीं आता है? ये जीवन जी गोरे लाखों की पे आउट लेता है हर महीने। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे आप लोगों ने सुना इसके लिए, और मैनेजमेंट ने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे जो 2 शब्द यहाँ पे समाप्त हो, थैंक यू।